आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर, ओशियन के 1000 मीटर के डेप्थ में हमें एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन में हमें एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड करना है, दूसरे क्वेश्चन में हमें गॉस प्रेशर फाइंड करना है, और तीसरा पार्ट में बोल रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो। जो विंडो पे जो फोर्स लग रहा होगा बाहर से 20 सेंटीमीटर, विंडो की एरिया दी हुई है 20 × 20 cm², सबमरीन के 20 × 20 cm² में जो डेप्थ पे 1000 मीटर डेप्थ पे जो प्रेशर लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, उसे हमें फाइंड करना है। हमें डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ द सी वाटर दिया हुआ है हमारा 1 × 10³ m³/m³। एंड जो जी हमें अज्यूम करना है वो 10 m/s² अज्यूम करना है। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ऊपर सरफेस पे जो प्रेशर होगा, वाटर के सरफेस पे जो प्रेशर होगा वो हमारा होगा 1 × 10⁵ pascal। अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं तो ये हमारा, अगर हम सी वाटर सी लेवल मान लेते हैं, ये हमारा सी लेवल है, ये हमारा सी लेवल है, यहाँ पे कहीं पे हमारा सबमरीन है, यहाँ पे सबमरीन है, अगर हम इसे सबमरीन मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं हमारा सबमरीन है। एट अ डेप्थ ऑफ, डेप्थ ऑफ इसे मान लेते हैं, इसे क्वेश्चन में दिया हुआ है एच, इसे एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सरफेस पे लगा रहा है वो है हमारा पी नॉट। पी नॉट हमें क्वेश्चन में गिवन है, पी नॉट हमें क्वेश्चन में वो है हमारा 1.01 × 10⁵ pascal, ये हमारा गिवन है क्वेश्चन में। तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, जो सबमरीन में एब्सोल्यूट प्रेशर लग रहा होगा, सबमरीन में एब्सोल्यूट जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर होता है। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा एब्सोल्यूट प्रेशर वाला, एब्सोल्यूट प्रेशर, प्रेशर वो जो होगा हमारा पी नॉट जो ऊपर सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा था प्लस रो जी एच, रो जी एच जिस हाइट के कारण, ये वाटर के कारण जो प्रेशर लगेगा एट डेप्थ ऑफ एच वो हमारा होगा रो जी एच। तो ये हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.01 × 10⁵ प्लस डेंसिटी हमारी गिवन है क्वेश्चन में वो है हमारा 1.03 × 10³ इंटू जी हमारा क्वेश्चन में गिवन है 10 इंटू एच हमारा गिवन है। ये जो हाइट है हमारा एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर की बात कर रही है, ये एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर ये हमारा 1000 है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा एब्सोल्यूट प्रेशर का वो है हमारा 104.01 × 10⁵ pascal। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें गॉज प्रेशर निकालनी है, हमें गॉज प्रेशर निकालनी है। गॉज प्रेशर कुछ नहीं होता, गॉज प्रेशर होता है कि एट अ डेप्थ ऑफ, गॉज प्रेशर जो होता है वो हमारा होता है रो जी इंटू एच, वो हमारा हो गया 1.03 × 10³ × 10 × 1000। जब इसे सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा हमारा 103 × 10⁵ pascal। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि हमें फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा विंडो में, उसकी एरिया दी हुई है 20 × 20 cm² ऑफ अ सबमरीन एट अ डेप्थ 1000 मीटर पे, कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन इस टाइप से हो जाएगा कि जो प्रेशर होगा, जो प्रेशर होगा, प्रेशर जो होगा आउटसाइड द विंडो, आउटसाइड द विंडो, आउटसाइड द विंडो वो होगा हमारा पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच तो टोटल प्रेशर होगा। अब प्रेशर जो होगा इनसाइड द विंडो, प्रेशर जो होगा इनसाइड
विंडो, इनसाइड द विंडो वो होगा हमारा पी नॉट। तो जो प्रेशर, जो टोटल प्रेशर होगा, नेट प्रेशर जो होगा, नेट प्रेशर जो होगा, इसे हम अगर बोल देते हैं पी ओ बोल देते हैं, पी आउट बोल देते हैं, अगर हम इसे पी इन बोल देते हैं, तो जो नेट प्रेशर होगा वो होगा हमारा पी आउट माइनस पी इन। तो ये हमारा नेट प्रेशर हो जाएगा रो जी एच। हमें कैलकुलेट करना है फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा विंडो पे। क्वेश्चन में एरिया गिवन है, क्वेश्चन में एरिया गिवन है, तो जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स जो होगा वो हमारा होगा नेट प्रेशर, प्रेशर इनटू एरिया, एरिया। तो नेट प्रेशर हो जाएगा रो जी एच इनटू एरिया, एरिया। तो एरिया हमारा गिवन है 20 × 20, और रो जी एच हमारा अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया गॉस प्रेशर में, वो है हमारा 103। तो 103 इंटू 10^5 इंटू एरिया हमारा 20 × 20 है, ये हमारा सेंटीमीटर में है, इसीलिए हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो ये हमारा हो जाएगा 10^-4। जब इसे हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4.12 × 10^5, 10^5 न्यूटन। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फोर्स जो एक्ट करेगा विंडो पे वो हमारा जाएगा 4.12 × 10^-5 न्यूटन।